मेरा आत्मसमर्पण? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया विक्रम, मेरी दूध मां की वो बातें जो उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में कही थी। वाकई ये तस्वीर तुम्हारे जुड़वा बहन की है? हाँ विक्रम, अगर एक तरफ मेरी इज्जत के लुटेरे और मेरे पिताजी के कातिलों की तलाश मेरी जिंदगी का मकसद था, तो दूसरी तरफ मेरी सगी मां और मेरी जुड़वा हमशक्ल बहन की तलाश का। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मेरी पहचान लेकर आत्मसमर्पण क्यों किया। रूपा, हाँ? तुमसे कोई औरत मिलने आई है? कौन हो तुम? रूपा, डाकू यहां? हाँ, लेकिन तुमने मेरा रूप क्यों धारण किया? ताकि तुम्हारे सर का इनाम मुझे मिल जाए और मेरी मां की जिंदगी बच जाए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम मेरी हमशक्ल? हाँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूं। बहन? आ मेरी बहन, तुझे अपने सीने से लगाकर अपने दिल के अरमानों को तसल्ली दे लूं। रूपा, मुझे रूपा नहीं बहन कहकर पुकारो। जब से मेरी दूध मां ने मुझे सच्चाई बताई है कि हम ठाकुर अर्जुन सिंह और शारदा देवी की औलाद हैं और हमारे पिताजी का कातिल शक्ति सिंह है, हम दोनों बहनें एक माँ की गोद में, दूसरी नौकर की गोद में एक दूसरे से अलग हो गए। कोई पल ऐसा नहीं गुजरा जो तेरी और माँ की तलाश से खाली रहा हो। अब समझ में आया कि माँ हर जन्मदिन पर दो थालियां क्यों सजाती थी। क्या माँ दो थालियां सजाती थी तेरे जन्मदिन पर? कितनी बदनसीब हूं मैं कि हम मिले भी तो जिंदगी के उस मोड़ पर। निराश ना हो बहन, तेरी बहन कुर्बान हो जाएगी तुझ पर। मेरे डाकू बनने की सजा मैं तुझे हरगिज नहीं भुगतने दूंगी। नहीं बहन, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, वरना पुलिस मुझे कानून को धोखा देने के जुर्म में और तुम्हें तुम्हारे जुर्म में फांसी दिलवा सकती है। तुम मेरी परवाह ना करो बहन। नहीं बहन, नहीं, जो कुछ हो रहा है होने दो, वरना हमारी माँ बेसहारा हो जाएगी, उसका बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाएगा। लेकिन इस वक्त माँ कहाँ है? डॉक्टर डिसूजा के अस्पताल में। ये क्या बेटी, तेरे आंसू थम क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें बहने दो मां, ये तुम्हारी गोद से बिछड़े वो आंसू हैं जो न जाने कितनी मुद्दतों से तुम्हारी ममता के आंचल में समा जाने के लिए तरस रहे हैं। बिजली? नहीं मां, मैं बिजली नहीं। बिजली? ये क्या भक रही है तू? मैं बिजली नहीं हूं मां, बचपन में तुम्हारी गोद से बिछड़ी हुई तुम्हारी दूसरी बेटी रूपा हूं। रूपा? मेरी दूसरी बेटी? हाँ, मुझे मालूम था बेटी तू एक न एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन बिजली कहाँ है? बिजली नहीं बताया माँ कि तुम यहाँ हो। तो तुम बिजली नहीं? जी नहीं, मैं इसकी जुड़वा हमशक्ल बहन रूपा हूँ। डाकू रूपा, सबूत क्या है? ये देखिए निशान, ये गोली आप ही ने निकाली थी। लेकिन बिजली को तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था माँ जी के इलाज के लिए, रुपए लेने के लिए। और बिजली ने ये कुर्बानी दी माँ के ऑपरेशन के लिए
जो मेरे सर पर 20,000 रुपए का इनाम था, बिजली ने डाकू रूपा बनकर अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया और 20,000 रुपए का इनाम हासिल कर लिया। माँ को एक बेटी मिली तो दूसरी बेटी छीन ली जाएगी। ममता के आंसू फिर खून के आंसू होंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा। सदगन, यस सर, आप सारे काम छोड़िए और रूपा डाकू को संडे जेल पहुंचाइए। ओके सर। और हाँ, सख्त पहरे में। यस सर। तुम रूपा और बिजली को लेकर अस्पताल पहुंचो, मैं और विजय पुलिस को डॉक्टर के आते जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अच्छा। माँ, डॉक्टर, डॉक्टर रूपा, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। अगर तुम अपनी मां की जिंदगी चाहती हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, तू आज रूपा का असली रूप देखेगा। लेकिन शक्ति सिंह की नजरों में तो रूपा मैं हूं, लेकिन असली रूपा मैं हूं। लेकिन शक्ति सिंह को यह मालूम नहीं कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वो हमेशा से यही समझता आ रहा है कि ठाकुर अर्जुन सिंह और शारदा देवी की एक ही औलाद है। माँ की जिंदगी की खातिर मैं जाऊंगी मौत को गले लगाने? नहीं बहन, मैं डाकू हूं, कातिल हूं। मेरा अंजाम तो वैसे भी फांसी है और तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं, मरने का हक मेरा है और जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। मैंने तो माँ का दूध पिया है, उसकी गोद में परवरिश पाई है, उसके हाथों से खाना खाया है। तुमने तो सिर्फ दर दर की ठोकरें खाई है, उसके प्यार और उसके साय को भी तरसती रही हो। मुझे तो सब कुछ मिला है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बहन, मुझसे मेरा हक मत छीनो। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं बिजली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम्हारा ये बलिदान मुझे खुशी नहीं, गम देगा। हम के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं मेरी बहन। मुझे जाने दो। नहीं, मैं कहती हूं हट जाओ। नहीं, मुझे मजबूर ना करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बहन होकर बहन पर हाथ उठाओगी? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अगर मुझे यह भी करना पड़े तो जा रही हूं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिल सकेंगे।